एक डोमेस्टिक एक्सपीरियंस जो एक प्लेयर के लिए होता है वो एक उसको डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे हर तरह के चैलेंजेस आते हैं, हर तरह की पिचेस आती है। तो आई थिंक मैं भी डोमेस्टिक खेल रहा हूँ तो मुझे काफ़ी इंप्रूवमेंट मिली है किस तरह गेम को हैंडल करना है प्रेशर सिचुएशन में। तो आई थिंक सबको ही डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए एक बड़े प्लेटफॉर्म में खेलने से पहले। उमर बहुत अच्छा खेला आपने, बहुत अच्छी फाइट पुट अप की, लेकिन थोड़ा सा अफसोस है कि कुछ रनआउट्स मिक्सअप हो गए, खासतौर पर अकील का जिस तरह से वो खेल रहा था। और क्या रीज़न आपको लगता है कि चेज हो नहीं सका, क्योंकि इनिंग्स इतनी लंबी नहीं कर सके? रदरफोर्ड का भी बता दिएगा क्यों निकले हैं उनको। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी थोड़ा से जो मेरी परफॉर्मेंस हो गई, लेकिन ये क्रिकेट में ऐसा होता रहता है कि कब आप अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। और मेरी भी कोशिश ये थी कि इस मैच में लंबा लेके चलूँ, हालांकि हमारे प्लेयर्स शुरू में आउट हो चुके थे। तो बस मेरी यही कोशिश थी कि जितना डीप जा सकूँ और टीम के लिए करीब पहुंच सकूँ। आई थिंक आमिर भाई और जिस तरह वो खेले, अकील हुसैन, उनसे भी सपोर्ट मिली और काफ़ी क्लोज जा रहे थे, और एक वक्त पे हम ये सोच रहे थे कि हम ये चेस कर जाएंगे, तो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। मेर आप भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, इस PSL में बहुत एक बहस है कि डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है T20 के लिए भी, आप इसको कैसे देखते हैं? जाहिर सी बात है, एक डोमेस्टिक एक्सपीरियंस जो एक प्लेयर के लिए होता है वो एक उसको डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे हर तरह के चैलेंजेस आते हैं, हर तरह की पिचेस आती है। तो आई थिंक मैं भी डोमेस्टिक खेल रहा हूँ तो मुझे काफ़ी इंप्रूवमेंट मिली है किस तरह गेम को हैंडल करना है प्रेशर सिचुएशन में। तो आई थिंक सबको ही डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए एक बड़े प्लेटफॉर्म में खेलने से पहले। अली सलमान फ्रॉम GTV। ओके, सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे कि हम पाकिस्तान टीम के साथ भी देखते हैं और आज भी हम देख रहे हैं कि जब टीम जीतती है तो उस वक्त जो है वो सीनियर्स आ जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट कराने के लिए, मीडिया से मिलने। आज पहली मरतबा मैं आपको इस जगह पे देख रहा हूँ, आपको लगता है कि यहाँ पे किसी सीनियर को होना चाहिए था? बहुत सारे सवाल हैं हमारे जहन में क्वेटा ग्लैडिएटर के हवाले से, और यकीनी तौर पर अगर टीम ये फाइनल में पहुंचती तो इस वक्त आजम खान आपकी जगह खड़े होते। सेकंडली उमर से मेरा सवाल है, उमर क्या वो चाहती है कि तीन बैट्समैन जो है वो डबल फिगर में दाखिल हुए क्वेटा ग्लैडिएटर के, और जबकि दूसरे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अच्छा एक हैंडसम स्कोर बोर्ड पर डाला? आई थिंक पहले मैं आपको जवाब दे देता हूँ कि थोड़े से लॉजिस्टिक्स इश्यूज हैं। आपको पता है PCB की ट्रैवल एंड लॉजिस्टिक्स जिस तरह मैनेज हो रही होती हैं, तो वो इस तरह की शेड्यूल भी हैं कि वो सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं। तो आज़म भाई और कुछ फॉरेनर प्लेयर्स की हमारी ओवरनाइट ट्रैवलिंग है, तो दैट्स वाई वो आ नहीं सके हैं, वो कुछ लॉजिस्टिक्स इशूज़ मैनेज कर रहे हैं। दूसरा सवाल आपको उमर से, तो वो आई थिंक रिस्पॉन्ड करेंगे आपको। आई थिंक आपने सवाल वापस रिपीट कर दिया। सवाल ये है, तीन बैट्समैन से डबल फिगर में उसी तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अच्छा स्कोर डाला, तो पिच पे ऐसा कुछ था या क्या वजह थी? आई थिंक हमारे प्लेयर थोड़ा सा जल्दी खेल गए थे और यही रीज़न था कि क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आप टाइम स्पेंड करेंगे तो और ईजी हो जाता है प्ले, जैसे कि मैंने किया। तो आई थिंक प्लेयर्स को थोड़ा सा एक मुश्किल हुई है, तो जल्दी करिए, और इस वजह से आउट भी हुए तो टीम ट्रबल हुई है इस वजह से। तो आई थिंक ये होता रहता है टीम के साथ, कभी अप्स एंड डाउन होते रहते हैं जो मैंने पहले भी कहा है। तो इंशाल्लाह अब जो भी इससे एज अ लर्निंग लेनी चाहिए, और मैं भी एज अ यंगस्टर मुझे भी लर्निंग लेनी चाहिए कि इस सिचुएशन में मुझे किस तरह खेलना है और किस तरह टीम को जिताना है। तो अब जब भी मौका मिलेगा तो कोशिश यही होगी कि बेस्ट से बेस्ट करूँ।